हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ये दूसरे दो टाइप हो गए मोशन के। ठीक है, तो इसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये समझने के पहले हम उसके नाम पर से ही समझ लेते हैं कि जैसे कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कि यूनिफॉर्म किसे बोला जाता है। तो यूनिफॉर्म को दूसरा बोलना हो तो रेगुलर, ये यूनिफॉर्म का दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, रेगुलर भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि रेगुलर का मतलब क्या होगा, जैसे कि हमारी डेली लाइफ में कोई जो वर्क हो हमारा वो रेगुलर डे बाय डे होता ही रहता हो, तो वो वर्क क्या हो रहा है, एक रेगुलर फॉर्म में हो रहा है या फिर एक यूनिफॉर्म हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये मोशन में भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट की, वहां पर यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, कुछ ऐसे पार्ट है जो क्या हो रहे हैं, एक यूनिफॉर्मली कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब जैसे हमने मोशन की डिफाइन देखी थी कि भाई व्हेन वन ऑब्जेक्ट ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर मूव्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट अदर ऑब्जेक्ट एंड विद टाइम। ठीक है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वो टाइम के साथ भी रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि टाइम को भी लेना पड़ता है, तभी जाके हमें पता चलेगा कि भाई वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम या फिर एक इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। क्या करेगा, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। अब वो कैसे करता है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी कोई एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, मान लो कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ए से बी जाता है, बी से सी एंड सी से डी, यानी कि इसकी जो एक स्ट्रेट लाइन, जो लिनियर मोशन जो हो रही है, कहां से, ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। ओके, तो ये इस तरह की उनकी उसकी उस ऑब्जेक्ट की जर्नी या फिर ट्रैवलिंग कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो ए से बी पर जाता है उस टाइम का जो टाइम इंटरवल है, इसी तरह बी से सी पर जाता है उस टाइम का जो टाइम इंटरवल, एंड सी से डी पर जाता है उस टाइम का टाइम इंटरवल जो बनता है वो क्या है, हम सपोज कर लेते हैं ए बी का जो टाइम लग रहा है ए से बी पर जाने के लिए टी वन इज इक्वल टू 5 सेकेंड, इसी तरह बी से सी पर जाने के लिए उसे जो टाइम लगा, यानी कि वो टाइम इंटरवल टी टू कितना है, वह भी 5 सेकेंड है। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो सी से डी जो डिस्टेंस कवर करना है, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम उसे लगा वो भी कितना है, 5 सेकेंड। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक डिस्टेंस जो ए से बी, बी से सी या फिर सी से डी को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है वो ऑब्जेक्ट, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। अब हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा था वो डिस्टेंस भी क्या है, तो एक सेम है। अब किस तरह से, तो जैसे कि हम बात करें कि ये ए से बी वाला जो डिस्टेंस है वो हम सपोज कर लेते हैं 10 मीटर, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस 5 सेकेंड में कितना कवर कर रहा है, वो 10 मीटर कवर कर रहा है। इसी तरह दूसरा कि दूसरी 5 सेकेंड यानी कि बी से सी पर गया तो 5 सेकेंड लगी, और उस 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो एस टू इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी जो सी से डी पॉइंट पर वो अपनी जर्नी करता है तो उसके लिए भी उसे कितना टाइम, एस थ्री यानी कि टी थ्री 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 10 मीटर जितना उसने कवर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरवल, टाइम इंटरवल है, उस टाइम में हर
पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस क्या बन रही है, सेम बन रही है, यानी कि जो कवर करती हुई जर्नी है वो कितनी है, सेम है। ठीक है, तो इसकी वजह से या फिर इस तरह की जो ऑब्जेक्ट की मोशन हुई ए से लेकर डी तक की, तो उस तरह की मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब क्यों यूनिफॉर्म बोला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हर हर बार कवर हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की जब ट्रैवलिंग में इक्वल डिस्टेंस में सॉरी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता हो, तो उस तरह की मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डिफाइन बनाए तो क्या हो सकती है, तो देख लेते हैं डिफाइन कि when an object travels, when an object travels equal distance in equal interval of time, this या फिर the motion is called, क्या बोला जाएगा उसे, तो यूनिफॉर्म मोशन। तो इन शॉर्ट में हम कहें तो क्या हो सकेगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी जो ट्रैवल कर रहा है, उस ट्रैवल करते वक्त उसका जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा हो, तो उस तरह की मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल हमें लेना हो तो ये हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल करके क्या लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हाँ तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल ऑन फर्स्ट 10 meter, क्या कर रहा है वो, फर्स्ट 10 meter ट्रैवल इन फर्स्ट 5 seconds। ठीक है, एंड अदर या फिर सेकेंड ऑफ 10 meter complete in second 5 seconds। ठीक है, एंड थर्ड जो उसने कवर किया 10 meter इन थर्ड 5 seconds। ठीक है, तो हर बार उसकी जो डिस्टेंस है वह और उसकी टाइम जो है वो क्या होती है, एक ही रहती है। जैसे कि हम कहीं पे गए हो और कोई एक जगह से दूसरी जगह गए हो और उसमें जो हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता हो, ठीक है, फर्स्ट आर में मान लो कि आपने 50 किलोमीटर कवर किया, दूसरे आर में आपने दूसरा 50 किलोमीटर कवर किया, तीसरे आर में थर्ड आर में आपने तीसरा 50 किलोमीटर कवर किया, तो अब उस तरह की जो जर्नी बनी या फिर ऑब्जेक्ट की हमारी मोशन हुई, उस मोशन को क्या बोला जाएगा, तो यूनिफॉर्म मोशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऑब्जेक्ट जो कवर करता है अपना डिस्टेंस वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसी के साथ साथ टाइम इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूरा उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। अब कैसे होता है वो हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यही एग्जांपल लेकर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो
जैसे हमने अभी यहां पर एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी कर रहा है वो ए से लेकर बी, बी से लेकर सी एंड सी से लेकर डी। ठीक है, जैसे कि ए बी सी एंड डी। अब इसके लिए ये जो ए से बी का टाइम इंटरवल कितना है, तो वह भी हम अभी जो लिया है यानी कि टी वन इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब बी से सी पर जाने के लिए जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या है, तो वह भी हम 5 सेकेंड ले रहे हैं। और सी से डी पर जाने का जो टाइम इंटरवल यानी कि सी से डी पर जाने के लिए जो टाइम लगा वो कितना है, तो T3 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम ले रहे हैं ना, इसकी वजह से यहाँ पे T1 बताया है, T2 बताया है एंड T3 बताया है, और हर एक का जो टाइम है वो कितना है, सेम है। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग अब ये जो डिस्टेंस जब कवर करता है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट, तो वो डिस्टेंस कैसा होगा, तो वह बन जाएगा अनइक्वल। अनइक्वल यानी किस तरह से, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो ए से बी पर उसने जो डिस्टेंस कवर किया है और उस डिस्टेंस को हम किस तरह दिखा रहे हैं, S1। तो जो S1 डिस्टेंस कवर किया है वो मान लेते हैं 15 मीटर। ठीक है, दूसरा जो बी से सी पर उसने जो डिस्टेंस कवर किया इन 5 सेकेंड वह कितना है, तो S2 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 20 मीटर। ठीक है, और जो C से D पर उसने जो 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया है यानी कि वह S3 इज इक्वल टू क्या है, तो वह मान लेते हैं 7 मीटर। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू जो जर्नी हुई है, जो ट्रैवलिंग हुई है, उससे आप देख सकते हैं कि हर एक टाइम क्या है, तो इक्वल है। टाइम पीरियड क्या है, इक्वल है, बट उस टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर करता है वह कैसा बन जाएगा, अनइक्वल बन जाएगा। तो इस तरह से अनइक्वल डिस्टेंस इन कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे ही क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम बताएंगे। तो इसी तरह अब ये दूसरे हमारे डेली लाइफ में कहाँ भी इस सिचुएशन कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो जब हम व्हीकल जब ट्रैफिक में हो तो उसकी जो मोशन होगी तो वो क्या होगी, जब ट्रैफिक खुला होगा तो क्या होगा, वो अच्छे से मूव कर सकेगी यानी कि स्पीड से मूव कर सकेगी और कार। ठीक है, और जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस जो कवर होता है वो अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से फिर उस टाइप की जो कार की मोशन होती है ट्रैफिक में, उसे भी क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम ले सकते हैं। तो चलो इसकी डिफाइन हम कर देते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स, क्या आएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और उस तरह की मोशन को क्या बोला जाएगा, द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर डिफाइन में क्या मेन वर्ड है, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहां पर क्या था, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पर जो टाइम जो है वो दोनों में इक्वल ही है, बट जो डिस्टेंस कवर होता है वो कैसा हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। तो यूनिफॉर्म होगा तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ऑब्जेक्ट क्या कैसा डिस्टेंस कवर करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस। अब इसका एक एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, तो मोशन ऑफ कार इन अ ट्रैफिक। ठीक है, तो इस तरह की जो मोशन होगी कार की ट्रैफिक में,
वह कैसी बन जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारी जो डेली लाइफ में मोशन जो होती है वो ज्यादातर कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आती ही जाती है, तो इनकी वजह से ज्यादातर कौन सी मोशन देखने को मिलेगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो यूनिफॉर्म मोशन है उस वो आप कोई छोटे छोटे पोर्शन में ही आपको देखने को मिल सके, जैसे कि कोई खुला हाईवे हो तो हाईवे पर जो कार की मोशन होगी तो कुछ स्मॉल इंटरवल टाइम आप ले रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी मोशन उस टाइम यूनिफॉर्म हम बता सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आप इसकी डिफाइन भी देख लिया हमने और उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसी तरह। इसी के साथ साथ ये एग्जाम्पल भी इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आज हमने बात किया। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे बोला जाएगा? तो जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है वह इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोला जाता है? तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, थैंक यू।